सीमा हैदर पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जैसा देश वैसा भेस। पाकिस्तान से अवैध रूप से नोएडा आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने रबुपुरा स्थित अपने घर पर तिरंगा लहराकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। वहीं सीमा हैदर को लेकर एक चर्चा और जोरों पर है, और वो है सीमा हैदर के प्रेग्नेंट होने की चर्चा। लगातार एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल थी कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, जिस पर सीमा ने खुद ही जवाब दिया है। सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर न हाँ कहा न ना कहा, बस एक लाइन में सीधा जवाब दे दिया। आप भी सुनिए अपनी प्रेगनेंसी को लेकर क्या बोली सीमा हैदर। कई फिल्में घोषित हो चुकी हैं, तो आपको इसका ही पता ही नहीं। पर कराची टू नोएडा फिल्म बन रही है ये उन्होंने फिल्म, क्या आपसे उन्होंने डिस्कस किया था कि हम कराची? मुझे पता भी नहीं इन बातों का। और वो सर का नाम, जब घर पे सर का नाम लेकर आए थे, और दूसरी बात मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है जी। तो ये बात मैं नहीं करना चाहूंगी, है कि नहीं है ये मेरा निजी मामला है। तो सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि ना इस बयान में इकरार है और ना ही इनकार। तो सवाल ये है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान आने के बाद एक बार फिर से खुशखबरी देने वाली है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट।